गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सिद्धार्थ एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में। सर बायो में हाईएस्ट नंबर, अरे ये क्वेश्चन आते के लिए हम बायो में हाईएस्ट, देखो सीधी सी बात है हाईएस्ट 92 है। चलो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अपना जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कल हमने बात की थी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है। भाई मानो कि ह्यूमन के बारे में फटा है, तो ह्यूमन में क्या होता है, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, और लैंगिक द्विरूपता के आधार पर हमने बात की थी कि मेल रिप्रोडक्टिव क्या होता है, अलग होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो सबसे पहले स्टार्ट किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सर चल नहीं रहा शायद, लाइव नहीं दिखा रहा। हाँ सर, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें हमने बात की थी सबसे पहले जो प्राइमरी जननांग है, ठीक है, उनके बारे में। और प्राइमरी जननांग के रूप में क्या पाए जाते हैं मेल के अंदर, एक जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं। और कल हमने चर्चा की थी टेस्टिस के बारे में, भाई टेस्टिस की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, बाह्य संरचना है, उसके बारे में बात की थी। इसके अलावा जो टेस्टिस पाए कहाँ पे जाते हैं उसके बारे में बात की थी। आगे उसी टॉपिक से आगे हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, भाई जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मुख्य जो ऑर्गन होता है, ठीक है, जो प्राइमरी जननांग है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, यानी टेस्टिस के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने कल बात की थी कि जो टेस्टिस होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, वर्षण कोष के अंदर पाया जाता है। ठीक है ना, याद रख लेना, जो टेस्टिस होता है वो कहाँ पे पाया जाएगा, वर्षण कोष के अंदर पाया जाता है। अर्थात आपका जो एक जोड़ी टेस्टिस होता है वो स्क्रोटल सैक के अंदर स्थित होता है। अब जो वर्षण कोष होता है वो क्या होता है, उदर गुहा से बाहर पाया जाता है। ये बात मैंने कल भी बताई थी कि जो वर्षण कोष होता है वो उदर गुहा से बाहर होता है, जो लचीली पतली भित्ती और रोमयुक्त संरचना होती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि जो क्रीमास्टर मसल्स पाई जाती है, अर्थात ऐसी पेशियां पाई जाती है, ये गुहा से जोड़ती है। इस बात को नोटिस कर लेना कि जो वर्षण कोष है वो उदर गुहा से कौन सी पेशी के द्वारा जुड़े रहते हैं, आपकी क्रीमास्टर मसल्स के द्वारा यहाँ पे जुड़े रहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण के बारे में। तो टेस्टिस के चारों ओर क्या है कि दो आवरण पाए जाते हैं, ये भी बात हमने कल की थी। भाई टेस्टिस के चारों ओर कितने आवरण, दो आवरण पाए जाते हैं। और टेस्टिस के चारों ओर जो दो आवरण पाए जाते हैं उसमें पहला है ट्यूनिका वेजाइनलेस होता है, ठीक है, दूसरा होता है ट्यूनिका एल्बिजिनिया होता है। याद रख लेना कि टेस्टिस के चारों ओर दो आवरण है, पहला आवरण होता है वो ट्यूनिका वेजाइनलेस होता है, और दूसरा जो आवरण होता है वो ट्यूनिका एल्बिजिनिया होता है। ठीक है, और कल मैंने डायग्राम बनाया था। ठीक है, बट टेस्टिस क्या होता है, अंडाकार संरचना होती है, ठीक है, और इसकी लंबाई है, इसकी मोटाई है, ठीक है, इसके वेट है, वो कल हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो इस टेस्टिस के चारों ओर क्या होता है कि दो आवरण पाए जाते हैं। ठीक है, इन दोनों आवरणों में जो एक आवरण होता है वो क्या होता है, ट्यूनिका वेजाइनलेस होता है। जो ट्यूनिका वेजाइनलेस होता है, ठीक है, ये किससे बनता है, ये उदर गुहा से ही बनता है। ट्यूनिका वेजाइनलेस किससे बनता है, उदर गुहा से बनता है। और जो दूसरे प्रकार का होता है ट्यूनिका एल्बिजिनिया होता है, ये बनता है आपके तंतुमय संयोजी ऊतक से बनता है। किनसे बनता है, तंतुमय संयोजी ऊतक से बनता है। इस तरीके से आपके जो टेस्टिस होता है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, दो आवरण पाए जाते हैं। फिर आगे बात की थी कि जो टेस्टिस होता है उस टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, 250 से 300 क्या पाए जाते हैं, लोब्यूल्स पाए जाते हैं, यानी पिंडुक पाए जाते हैं। ये 250 से 300 जो लोब्यूल्स होते हैं, अर्थात छोटे छोटे खंड होते हैं, ठीक है ना, इन प्रत्येक पिंडक के अंदर, ठीक है, प्रत्येक पिंडक ऊतक की बात किया, इस प्रत्येक पिंडक के अंदर क्या होती है, एक तो होती है शुक्रजनक नलिका होती है। इस चीज को हमेशा याद रखना कि टेस्टिस के अंदर 250 से 300 लोब्यूल्स है, और इनमें प्रत्येक पिंडक की बात की जाए तो उस प्रत्येक पिंडक के अंदर एक तो क्या होती है, शुक्रजनक नलिका होती है, एक होती है आपके अंतःस्रावी कोशिकाएं होती है। क्या होती है, अंतःस्रावी कोशिकाएं, ठीक है, एंडोक्राइन सेल्स। इसके अलावा क्या पाई जाती है, ब्लड सेल्स पाई जाती है, और आपके जो नर्व पाई जाती है, नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं, वो पाए फिलामेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये बातें हो गई। फिर आगे बात करते हैं कि जो टेस्टिस होता है, ठीक है, टेस्टिस के
टेस्टिस में क्या होता है कि संयोजी ऊतक पाया जाता है। टेस्टिस के अंदर क्या है, जो अतिरिक्त संयोजी ऊतक है, टेस्टिस के अंदर क्या है, अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो संयोजी ऊतक होता है उसमें क्या पाई जाती है, अंतराली कोशिकाएं या फिर लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। ये कल बातें कल कर चुके हैं इसके बारे में चर्चा की क्या होती है, टेस्टिस के संयोजी ऊतक के अंदर क्या पाई जाती है, लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। ये वो कोशिकाएं होती है जो क्या करती है, इसके अंदर मतलब जो वुमन का जो सेक्स हार्मोन होता है, कौन सा, अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, इसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव कौन करती है, लेडिंग कोशिकाएं करती है। इस बात को याद रख लेना कि मेल के अंदर जो सेक्स हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, जबकि फीमेल के अंदर आपका कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना, और एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। ये दो प्रकार के हार्मोन फीमेल के अंदर होते हैं और मेल के अंदर कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये हार्मोन क्या करता है कि जो मेल होता है उसके अंदर जो द्वितीयक जो लैंगिक लक्षण होते हैं उनको डेवलप करता है, ठीक है, जैसे कि दाढ़ी मूंछों को आना, ठीक है ना, ये सारे जो लक्षण बनते हैं मेल के अंदर वो किसके कारण होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही होते हैं, ठीक है। इसके आगे बात की थी कि आपके जो प्रत्येक जो शुक्रजनक नलिका होती है, ठीक है, हमने बात की कि पिंडक के अंदर क्या पाई जाती है, शुक्रजनक नलिका, तो जो प्रत्येक जो शुक्रजनक नलिका होती है उसके चारों ओर क्या होता है, तंतुमय संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाता है। याद रखना कि प्रत्येक शुक्रजनक जनक नलिका के चारों ओर क्या पाया जाता है, तंतुमय संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाता है, और उस तंतुमय संयोजी ऊतक के आवरण को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ट्यूनिका प्रोपरिया कहते हैं। पहले बात की थी ना कि भाई उस तंतुमय संयोजी ऊतक के आवरण को क्या कहते हैं, ट्यूनिका प्रोपरिया कहते हैं। भाई कमेंट आया है रितु, क्या बात है रितु, आपने मैं फिजिक्स वाले सर से भी यही बात पूछी थी, तो सर बायो में हाईएस्ट नंबर देखो 92 है, बाकी पांच बच्चे 90 से अबव है, 90 प्लस है, ठीक है ना। तो यहां पे बात कर रहे हैं हम कि आपके वर्षण के संयोजी ऊतक में लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती है जो क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आगे बात करते हैं कि जो प्रत्येक शुक्रजनक नलिका होती है, जो प्रत्येक शुक्रजनक नलिका होती है, ठीक है, उनके चारों क्या पाया जाता है, ट्यूनिका प्रोपरिया आवरण पाया जाता है, ठीक है, जिसके जनन उपकलास स्तर में क्या होती है, दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। याद रखना जो ट्यूनिका प्रोपरिया जो आवरण होता है, ठीक है, वो किसके चारों ओर पाया जाएगा, शुक्रजनक नलिका। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम वर्षण जो बड़ी संरचना थी उससे हमने छोटी संरचना में आ गए, भाई बड़ी संरचना से पढ़ते पढ़ते कहाँ पे आ गए, छोटी संरचना, अर्थात शुक्रजनक नलिकाओं के बारे में पढ़े। जो शुक्रजनक नलिकाएं होती है, ठीक है, इनके जो मतलब एपिथेलियम जो जनन एपिथेलियम होता है, ठीक है, उसके उपकलाय मतलब जनन उपकलाय स्तर में क्या होती है, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, और जो दो प्रकार की कोशिकाएं होती है उनमें एक प्रकार की तो कौन सी होती है आपकी, एक प्रकार की होती है शुक्रजनक कोशिकाएं, अर्थात स्पर्मेटोगोनल गोनियल सेल्स, और दूसरे प्रकार की होती है सपोर्टिंग सेल्स। इस बात को अच्छे से नोटिस कर लेना कि जो शुक्र जनक नलिकाएं होती है जो किसके अंदर पाई जाती है, वर्षण के अंदर पाई जाती है, तो जो वर्षण के अंदर जो शुक्रजनक नलिकाएं होती है उनके आवरण के अंदर, उनके आवरण के अंदर जो आवरण क्या होता है, तंतुमय संयोजी ऊतक का बना होता है जिसे ट्यूनिका प्रोपरिया कहते हैं। उस आवरण में क्या होता है कि दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक तो होती है आपकी स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, ठीक है, और दूसरे प्रकार की होती है सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है ना। ये दो प्रकार की कोशिकाएं क्या होती है इसके अंदर पाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं स्पर्मेटोगोनियल सेल्स के बारे में। देखो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स होती है, इनका मुख्य कार्य क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करना। इस बात को याद रख लेना कि इन शुक्रजनक नलिकाओं के स्तर में पाई जाने वाली जो आपकी शुक्रजनक कोशिकाएं होती है, ठीक है, इन शुक्रजनक कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, अर्थात स्पर्म उत्पादन होता है। याद रख लेना ये कोशिकाएं क्या करती है, स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। दूसरे प्रकार की जो आपकी कोशिकाएं हैं, अब
दूसरे प्रकार की कोशिकाएं कौन सी है आपके, दूसरे प्रकार की होती है सपोर्टिंग कोशिकाएं। अब देखो सपोर्टिंग कोशिकाओं के कुछ अन्य नाम भी है। सपोर्टिंग कोशिकाओं को हम क्या कह सकते हैं, देखो सर्टोली कोशिकाएं भी कह सकते हैं। सपोर्टिंग कोशिकाओं को क्या कहते हैं, सर्टोली कोशिकाएं। इसके अलावा इनको धात्री कोशिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं, धात्री कोशिकाएं, याद रख लेना, धात्री सेल्स भी कहते हैं किनको, सर्टोली कोशिकाओं को। अब जो ये सर्टोली कोशिकाएं होती है, ठीक है, ये आपकी जो शुक्रजनक कोशिकाएं होती है इनसे संख्या में क्या होती है, कम होती है, लेकिन आकार में क्या होती है, इनसे बड़ी होती है। भाई इनसे संख्याओं में कम रहेगी लेकिन आकार में क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। ये जो सर्टोली कोशिकाएं होती है, ठीक है, इनकी विशेषता होती है कि जो स्पर्मेटिड बनते हैं। अब हम गेमेटोजेनेसिस की क्रिया पढ़ेंगे, भाई युग्मक जनन की क्रिया पढ़ेंगे, जब अपना अगला नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, तब नेक्स्ट चैप्टर चलेगा, तब उसमें पढ़ेंगे कि स्पर्मेटिड क्या होते हैं। स्पर्मेटिड को हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु पूर्व, ठीक है, और शुक्राणु पूर्व क्या होते हैं, जो स्पर्म बनने से पहले की जो संरचना होती है वो आपके शुक्राणु पूर्व होते हैं, ठीक है। तो जो स्पर्मेटिड होते हैं, ठीक है, इन स्पर्मेटिड को पोषण आलंबन प्रदान करने का कार्य कौन करती है, सर्टोली कोशिकाएं। भाई ये शुक्रजनक कोशिकाएं स्पर्म बनाती है। अब स्पर्म शुक्रजनक कोशिकाओं से स्पर्म बनने की प्रोसेस होती है, ठीक है, उसमें स्पर्म डायरेक्ट स्पर्म नहीं बनते, पहले आपके स्पर्मेटिड बनेंगे फिर बाद में आपके स्पर्म बनते हैं। तो जो ये स्पर्मेटिड बनते हैं इनको पोषण आलंबन प्रदान करने का कार्य कौन करती है, आपके जो सपोर्टिंग सेल होती है, जो धात्री कोशिकाएं होती है या फिर जो सर्टोली कोशिकाएं होती है, ठीक है, ये क्या करती है, इनको आलंबन प्रदान करती है, ठीक है ना। इसके अलावा आगे की बात आती है कि आपकी इन जो सर्टोली कोशिकाएं होती है, ठीक है, इन सर्टोली कोशिकाओं से एक हार्मोन भी स्रावित होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इनहिबिन हार्मोन कहते हैं। याद रख लेना आगे की बात क्या कर रहा हूं, कि जो आपके सर्टोली कोशिकाएं होती है, ठीक है, इनसे स्रावित होने वाले हार्मोन के बारे में। देखो आगे बात करते हैं, जो सर्टोली कोशिकाएं होती है, सर्टोली कोशिकाओं से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे इनहिबिन कहते हैं। क्या कहते हैं, इनहिबिन हार्मोन कहते हैं। ये इनहिबिन हार्मोन एक प्रोटीन है, ठीक है, हार्मोन अधिकांश क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पे आपके इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन क्या होता है, स्रावित होता है किनके द्वारा, क्या होता किनके द्वारा होता है, सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा ये इनहिबिन हार्मोन स्रावित होता है। जो ये इनहिबिन हार्मोन होता है, ठीक है, ये क्या करता है कि जो FSH हार्मोन होता है, FSH हार्मोन, अब इस हार्मोन के बारे में आगे पढ़ोगे आप, ठीक है, जब अपना एंडोक्राइन सिस्टम चलेगा, भाई अंतःस्रावी तंत्र चलेगा, ठीक है, अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, तब आप इस FSH हार्मोन के बारे में, FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ठीक है, ये हार्मोन क्या होता है कि आपके पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है। और आप सबको पता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि होती है वो पाई कहाँ पे जाती है, ये अपने ब्रेन के अंदर पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, ब्रेन के अंदर, अर्थात अपने मस्तिष्क के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, उसके द्वारा FSH हार्मोन स्रावित होता है। और ये आपका जो FSH हार्मोन होता है ये क्या होता है, एक प्रेरक हार्मोन होता है। क्या होता है, ये प्रेरक हार्मोन, अर्थात ये शुक्राणु उत्पादन को प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है। ये क्या होता है, शुक्राणु उत्पादन को प्रेरित करता है। इस बात को याद रख लेना कि आपका जो FSH हार्मोन होता है, FSH हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है कि शुक्राणु उत्पादन क्रिया को प्रेरित करना, ठीक है। अर्थात इसका फुल फॉर्म क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो किसके द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं, ब्रेन में। और आप नॉर्मली आप सब जानते हो भाई, 8-10 क्लास में पढ़ाए, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या होती है, मास्टर ग्लैंड होती है। अर्थात ये क्या होती है, मास्टर ग्रंथि होती है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, ये क्या करता है कि जो ये
FSH हार्मोन जो शुक्राणु उत्पादन को प्रेरित करता है, ठीक है। इस FSH हार्मोन के नियमन के लिए, इसके नियमन के लिए आपका कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इनहिबिन हार्मोन स्रावित होता है। तो इस बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना कि आपके जो सर्टोली कोशिकाएं, धात्री कोशिकाएं, आलंबन कोशिकाएं, सपोर्टिंग कोशिकाएं, ठीक है, ये जो एक ही कोशिकाओं का नाम है, ठीक है, तो इन कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है कि इनहिबिन नामक प्रोटीन हार्मोन स्रावित होता है। ये इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन होता है, ये क्या करता है? FSH हार्मोन का क्या करता है? नियमन करता है। कौन से हार्मोन का नियमन करता है? FSH। और FSH क्या करता है कि जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसको क्या करता है? प्रेरित करता है, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं कि आपकी जो ये शुक्रजनक नलिकाएं होती है, ठीक है, इसके अलावा आगे बात करते हैं जो आपकी ये शुक्रजनक नलिकाएं होती है, ठीक है, ये क्या होती है कि जो टेस्टिस की सतह के पास होती है, ठीक है, वहां से प्रारंभ होकर के कम कुंडलित तो हो जाती है और मध्यवर्ती क्षेत्र में क्या हो जाती है? छोटी छोटी नलिकाओं के जाल में खुल जाती है। याद रख लेना कि आपकी जो आगे चल करके जो शुक्रजनक कोशिकाएं होती है, जो शुक्रजनक नलिकाएं होती है, उनके बारे में आगे बात करते हैं। देखो शुक्रजनक नलिकाएं, शुक्रजनक नलिकाएं वर्षण के मध्यवर्ती क्षेत्र में पहुंचकर, वर्षण के मध्यवर्ती क्षेत्र में पहुंचकर, क्षेत्र में पहुंचकर, मध्य क्षेत्र में पहुंचकर कम कुंडलित हो जाती है, कम कुंडलित हो जाती है। पहले तो क्या होती है, ये कुंडलन ज्यादा रहता है इनके अंदर, किनके अंदर? शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर। लेकिन ये वर्षण के मध्यवर्ती क्षेत्र में पहुंच जाती है तब इनमें क्या हो जाता है? कुंडलन कम हो जाता है, ठीक है। और कुंडलन कम होने के बाद में ये क्या होती है? छोटी छोटी नलिकाओं के जाल में खुलती है। फिर ये क्या होगी कि ये आपकी जो शुक्रजनक नलिकाएं होती है, ये क्या होती है? छोटी छोटी नलिकाओं के जाल के अंदर क्या खुलती है? छोटी छोटी नलिकाओं के जाल में खुलती है, नलिकाओं के जाल में खुलती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो छोटी छोटी नलिकाओं का जाल होता है, ठीक है, इस छोटी छोटी नलिकाओं के जाल को हम क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं आपका वर्षण जालक कहते हैं, अर्थात रेटेटी टेस्टिस कहते हैं। याद रख लेना इन छोटी छोटी नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? वर्षण जालक कहते हैं। तो सीधी सी बात है, डायरेक्टली क्या कह सकते हो कि आपकी शुक्रजनक नलिकाएं होती है वो मध्यवर्ती, वर्षण के मध्यवर्ती क्षेत्र में पहुंच करके कहां पे खुलती है? वर्षण जालक में खुलती है, ठीक है ना। अब यहां पे जो वर्षण जालक होता है, ठीक है, इस वर्षण जालक से भी क्या होती है कि कॉन्वुलेटेड डक्ट्यूल्स निकलती है, अर्थात 15 से 20 सहवलित नलिकाएं निकलती है। इस वर्षण जालक से क्या होता है कि इससे क्या होती है कि 15 से 20 सहवलित नलिकाएं निकलती है। कितनी नलिकाएं? 15 से 20 सहवलित नलिकाएं निकलती है। किससे निकलती है? आपके वर्षण जालक से निकलती है, ठीक है। और इन सहवलित नलिकाओं को हम क्या कहते हैं? आपकी अपवाही वाहिनिकाएं कहते हैं। याद रख लेना इन्हें क्या कहेंगे? अपवाही वाहिकाएं कहते हैं, अपवाही वाहिकाएं कहते हैं, या अपवाही कह दो या फिर आपकी शुक्र वाहिकाएं कह दो इनको, या फिर दूसरा नाम है इनका शुक्र वाहिकाएं। तो कुल मिलाकर के देखो यहाँ पे जटिल स्ट्रक्चर होती है टेस्टिस की। भाई टेस्टिस की संरचना हमने 22 से उसकी मतलब लंबाई चौड़ाई फटी थी, ठीक है, फिर बाद में पढ़ा था उसके आवरण, आवरण के बाद में पढ़ा कि इसके अंदर शुक्रजनक नलिकाएं होती है, फिर शुक्रजनक नलिकाएं के चारों ओर पाए जाने वाला आवरण, फिर शुक्रजनक नलिकाओं की जो आगे की संरचना है उसके बारे में फटे। भाई शुक्रजनक नलिकाएं मध्यवर्ती क्षेत्र में क्या होती है, कहाँ पे खुलती है? वर्षण जालक के अंदर खुलती है। कहाँ पे खुलती है? वर्षण जालक। और ये जो वर्षण जालक होता है, ठीक है, ये आगे चल करके कहाँ पे खुलता है? 15
15 से 20 सवलित नलिकाओं के अंदर खुलता है। अर्थात ये ऐसा कह सकते हैं कि आपके इस वर्षण जालक से क्या होती है, 15 से 20 सवलित नलिकाएं निकलती है, और इन सवलित नलिकाओं को हम क्या कहते हैं, शुक्रवाहिकाएं, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, अपवाही वाहिकाएं कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, शुक्रवाहिकाएं या फिर आपका अपवाही वाहिकाएं कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो नलिकाएं होती है, ठीक है, ये आपके जो शुक्रजनक नलिकाएं होती है, ये क्या होती है, वर्षण के ऊपरी भाग पर पहुंचकर क्या होती है, एपिडर्मिस नलिका में खुलती है। अब देखो यहां से यहां पे खुल गई, फिर आगे चल करके जो आपके वर्षण का ऊपरी भाग होगा, भाई वर्षण का जो ऊपर वाला भाग होता है, और वर्षण के ऊपरी भाग में क्या होता है, क्या पता है भाई, वर्षण के ऊपरी भाग में अधिवर्षण पाया जाता है। भाई मैंने बताया था कि वर्षण के ऊपरी भाग पर टोकनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, अधिवर्षण कहते हैं, अर्थात एपिडिडिमिस कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो ये नलिकाएं होती है वो आपके आगे चल करके कहाँ पे खुलती है, आपके जो अधिवर्षण नलिका होती है उसमें खुलती है। तो यहाँ पे आगे चल करके ये अफवाही होती है, ठीक है, ये कहाँ पे खुलती है, वर्षण के ऊपरी भाग में, ठीक है ना। और उस ऊपरी भाग में क्या पाई जाती है, अधिवर्षण नलिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अधिवर्षण नलिका पाई जाती है। इस बात को याद रख लेना कि वर्षण के ऊपरी भाग में क्या पाई जाती है, अधिवर्षण नलिका पाई जाती है। तो इस अधिवर्षण नलिका के अंदर क्या होती है, ये नलिकाएँ खुलती है, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपकी ये शुक्रवाहिकाएँ होती है या फिर अपवाही वाहिकाएँ होती है, ठीक है, इनके आंतरिक स्तर की बात की जाए तो आंतरिक स्तर एपिथीलियम कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है, और इसका बाहरी स्तर होता है, ठीक है, वो वर्तुल पेशियों का पाया जाता है। इस बात को भी याद रख लेना कि आपके किसकी जो सवलित नलिका है, अपवाही वाहिका है या फिर शुक्रवाहिका है, इनकी क्या विशेषता होती है कि इनका जो आंतरिक स्तर होता है, आंतरिक स्तर होता है, ठीक है, ये तो किनका बना होता है, एपिथीलियम कोशिकाओं का, किनका, एपिथीलियम कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है ना, एपिथीलियम सेल्स का। और बाह्य स्तर होता है, इसका जो बाह्य स्तर होता है, ठीक है, बाह्य स्तर किसका बना होगा, वर्तुल पेशियों का बना होता है, किनका बना होता है, वर्तुल पेशियों का बना होता है। और ये आपकी जो अपवाही वाहिकाएं होती है, ठीक है ना, ये आपके क्या होती है, आगे चल करके कहाँ पे खुलती है, अधिवर्षण नलिका के अंदर खुलती है। किसके अंदर खुलती है, अधिवर्षण नलिका के अंदर खुलती है, ठीक है। ये बातें हो गई किसके बारे में, आपके टोटली स्ट्रक्चर ऑफ टैक्टिस अर्थात वर्षण की संरचना के बारे में हो चुकी है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, देखो मैंने कल भी बताया था कि मानव सहित, भाई मानव तो है ही, मानव सहित जो अन्य जो मैमल्स हैं, स्तनधारी जंतु है, उन सभी में जो टेस्टिस होते हैं वो वर्षण उदर गुहा से बाहर पाए जाते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है। भाई क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए कि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि खुश रहो खुश रहो, तो बच्चों मिठाई आ गई है, आप लोग भी खाना चाहो तो खा लो। पढ़ो लिखो मान बनो। तो यहाँ पे आगे बात करते हैं, जो टेस्टिस है, टेस्टिस क्या होते हैं कि उधर गुहा से बाहर पाए जाते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है। देखो शुक्राणु उत्पादन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए शुक्राणु उत्पादन के लिए, वो अपने शरीर के तापमान से कम होना चाहिए। शुक्राणु उत्पादन के लिए तापमान शरीर के तापक्रम से कम होना चाहिए, शरीर के तापक्रम से कम होना चाहिए, ठीक है। और वो भी कितना, लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होना चाहिए अपने शरीर से। अर्थात मानव का, एक वयस्क स्वस्थ मानव का जो तापमान होता है वो कितना होता है, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो मानव होता है, ठीक है, मानव के अंदर तो है ही उधर गुहा से बाहर, तो मानव सहित अन्य सभी स्तनधारियों में क्या होते हैं, शुक्र, ये जो टेस्टिस होते हैं वो उधर गुहा से बाहर पाए जाते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ एक बार, मानव सहित अन्य स्तनधारियों में वर्षण उदर गुहा से बाहर पाए जाते हैं, वर्षण उदर गुहा से बाहर
पाए जाते हैं। अब उदर गुहा से बाहर क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि शुक्राणु के उत्पादन के लिए तापमान कितना होना चाहिए? भाई 2 से 2.5 अपने शरीर के तापमान से कम तापमान होना चाहिए, तभी क्या होता है? शुक्राणु उत्पादन होता है। इस बात को याद रख लेना कि मानव सहित सभी स्तनधारियों में जो वर्षण होंगे वो कहाँ पे पाए जाएंगे? उदर गुहा से बाहर पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि मानव सहित इनमें सभी जान जो अन्य स्तनधारी, इनमें क्या होता है कि शुक्राणु तभी बनते हैं जब शरीर के तापमान से इनका तापमान क्या होता है? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, ठीक है? तभी शुक्राणु आसानी से परिवर्तित होते हैं, परिपक्व होते हैं, ठीक है? कुछ में क्या होता है कि जन्मजात ऐसी प्रॉब्लम होती है जिनके जो टेस्टिस होते हैं वो क्या होते हैं? उदर गुहा में रहते हैं। उन व्यक्तियों में क्या होता है कि शुक्राणु मैच्योर नहीं होते, अर्थात शुक्राणु परिपक्व नहीं होते। याद रख लेना कि जिनमें क्या होता है कि जो टेस्टिस होते हैं वो उदर गुहा के अंदर पाए जाते हैं, उनके शुक्राणु क्या नहीं होते हैं? परिपक्व नहीं होते हैं, ठीक है? और ऐसे व्यक्ति क्या नहीं कर सकते? संतति उत्पन्न नहीं कर सकते, अर्थात संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि शुक्राणु मैच्योर नहीं होते हैं, तब तक नहीं कर सकते फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। जब शुक्राणु मैच्योर होते हैं तभी क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो जिन व्यक्तियों के टेस्टिस क्या होते हैं, बाय चांस मतलब ऐसा 100 में से एक केस, एक दो केस मिलेगा, ठीक है, जिनमें क्या हो जाता है कि टेस्टिस होते हैं वो उदर गुहा के अंदर ही रह जाते हैं, अर्थात उदर गुहा से बाहर नहीं पाए जाते हैं। उन व्यक्तियों में जो शुक्राणु होते हैं वो परिपक्व नहीं होते हैं, और शुक्राणु परिपक्व नहीं होने के कारण ऐसे व्यक्ति क्या नहीं कर सकते? संतति उत्पन्न नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरी बात है कि जो सर्दियों के दिनों में क्या होता है, देखो सर्दियों में क्या होता है, तापमान कम हो जाता है। सर्दियों में क्या होता है, तापमान कम रहता है, और सर्दियों में जब तापमान कम रहता है, ठीक है, तब क्या होता है कि जो वर्षण कोष होता है, ठीक है, उस वर्षण कोष का भी तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सर्दियों में वर्षण कोष का तापमान भी क्या हो जाता है? वर्षण कोष का तापमान भी क्या हो जाता है? तापमान भी कम हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, देखो जब मान लीजिए कि सर्दियों में वर्षण कोष का तापमान कम हो जाता है, तब क्या होता है कि आपकी जो डार्टोस पेशी और दूसरे प्रकार की जो आपकी पेशी है, ठीक है, जिसे क्या करते हैं, वर्षण उत्कर्ष पेशी, ठीक है, ये दोनों सिकुड़ करके क्या होती है, जो वर्षण कोष होती है उसको उदर गुहा के नजदीक ले जाती है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि वर्षण का ताप नियमित बना रहता है। याद रख लेना कि सर्दियों के अंदर वर्षण कोष का क्या होता है, तापमान कम हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जो आपकी डार्टोस पेशी होती है, ठीक है, एक तो कौन सी पेशी होती है, डार्टोस पेशी, और डार्टोस पेशी किसके अंदर पाई जाती है, आपके वर्षण कोष के अंदर पाई जाती है। एक होती है आपकी वर्षण उत्कर्ष पेशी, एक कौन सी होती है, वर्षण उत्कर्ष पेशी। ये दो प्रकार की पेशी क्या होती है, सिकुड़ जाती है, क्या होती है, सिकुड़ जाती है, ठीक है। और ये जब दो प्रकार की पेशी सिकुड़ जाती है तो ये क्या करती है, जो वर्षण होते हैं, ठीक है, इन वर्षणों को कहाँ पे ले, इस वर्षण कोष को कहाँ पे ले जाती है, वर्षण कोष को उदर गुहा के समीप ले जाती है। कहाँ पे ले जाती है, उदर गुहा के समीप, ठीक है। और उदर गुहा के समीप ले जाने पर जो वर्षण होते हैं उनका तापमान क्या होता है, नियमित बना रहता है, ठीक है। तो तभी तो ये सिचुएशन होती है कि सर्दियों के दिनों में अक्सर ये होता है कि जो वर्षण कोष होता है वो सिकुड़ जाता है, ठीक है। और क्यों सिकुड़ता है, क्योंकि इसका तापमान कम हो जाता है। तापमान कम होने के कारण भाई वर्षण को तो नियमित तापमान चाहिए, तो नियमित तापमान कब मिलेगा, जब ये उदर गुहा के समीप रहेगा। तो यहाँ पे ये पेशियां सिकुड़ जाती है, दोनों पेशियां, और ये सिकुड़ने के कारण जो वर्षण कोष होता है वो उदर गुहा की ओर चला जाता है, और ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जो वर्षण होते हैं उनका तापमान नियमित बना रहता है, ठीक है। सर टाइमिंग हो गया है, कैसा टाइमिंग, मतलब बनवारी यादव एक बार दोबारा बताना क्या टाइमिंग की बात कर रहे हो आप। तो यहाँ पे ये बातें हो चुकी है, ठीक है। तो ये बात कर चुके हम किसके बारे में, आपके मतलब टेस्टिस की स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे हमने पढ़ाया जो है वो क्या होता है भाई, टेस्टिस क्या होता है, प्राथमिक जननांग होता है भाई। मानव के अंदर जो टेस्टिस होता है मेल के अंदर, वो प्राथमिक जननांग होता है। अब बात करते हैं जो सहायक जननांग है उनके बारे में। तो देखो यहाँ पे सहायक जननांग के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। अब देखो सहायक जननांग के रूप में क्या क्या पाए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं।
सहायक जननांग। ठीक है, अब मेल के अंदर जो सहायक जननांग है उनके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक है, एक तो होता है देखो सहायक जननांग के रूप में अधिवर्षण होता है। ठीक है, अब अभी बात की, जस्ट बात की अपने अधिवर्षण के बारे में। ठीक है भाई, अधिवर्षण क्या होता है, वर्षण के ऊपरी अग्र या ऊपरी भाग या अग्र भाग पर पाई जाने वाली कुंडलित संरचना होती है। ठीक है ना, इसके अलावा आपकी क्या होती है, जो शुक्रवाहिनी होती है, शुक्रवाहिनी, ठीक है ना, ये भी आपकी क्या होती है, सहायक जननांग के रूप में पाई जाती है। इसके अलावा जो यूरिथ्रा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक है, तो यूरिथ्रा होता है यानी मूत्र मार्ग, ये भी क्या होता है, सहायक जननांग होता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके सहायक जनन ग्रंथि होती है, ठीक है, अब मेल के अंदर आगे बात करेंगे तीन प्रकार की क्या होती है, सहायक जनन ग्रंथि पाई जाती है। तो सहायक जनन ग्रंथि होती है, ठीक है, सहायक जनन ग्रंथि, ठीक है ना, ये भी क्या होती है आपके सहायक जननांग के रूप में होती है। इसके अलावा जो पेनिस होता है, ठीक है, ये भी क्या होता है, सहायक जननांग होता है। तो इस तरीके से आपके, अभी स्टार्ट करते हैं भाई, अब तक हमने टेस्टिस की स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, अब यहाँ पे बात करते हैं आपके सहायक जननांग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अधिवर्षण। ठीक है, अब देखो अधिवर्षण क्या होती है, ठीक है, ये अधिवर्षण जो होती है ये अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। ठीक है, और इसकी लंबाई होती है लगभग 6 मीटर होती है। ठीक है, तो याद रख लेना, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अधिवर्षण के बारे में। तो ये क्या होती है, एक पतली पतली 6 मीटर लंबी पतली 6 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है। अत्यधिक कुंडलित कैसी होती है, अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है, कुंडलित नलिका होती है। याद रख लेना कि जो अधिवर्षण होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक पतली 6 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। ठीक है, और ये इसकी आकार की बात की जाए तो आकार होता है इसका अर्धविराम जैसा, इसका आकार होता है अर्धविराम जैसा, इसका आकार की बात की जाए तो अर्धविराम यानी कोमा जैसा, कोमा जैसा इसका क्या होता है, आकार होता है, कोमा जैसे इसका क्या होता है, आकार होता है। किसका, आपके अधिवर्षण होता है उसका कोमा जैसा आकार होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं कि इस मतलब कुंडलित नलिका होती है, इसमें जो कुंडलन होते हैं वो किसके द्वारा, संयोजी उत्तक के द्वारा आपस में चिपे होते हैं। याद रखना कि इसमें क्या होता है कि जो आपके अधिवर्षण होता है इसमें जो कुंडलन पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, कुंडलन। ठीक है, ये कुंडलन क्या होते हैं, संयोजी उत्तक होते हैं। ठीक है, इन संयोजी उत्कों के द्वारा, संयोजी उत्कों के द्वारा क्या होते हैं, आपस में चिपके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुंडलन होंगे वो संयोजी उत्क के द्वारा आपस में चिपके होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे की बात करते हैं कि जो ये कुंडलित नलिका यानी जो अधिवर्षण होता है, ठीक है, इसका जो बाहर का जो स्तर होता है वो पेशी स्तर होता है और आंतरिक स्तर क्या होता है, एपिथीलियम का बना होता है। तो दो बातें याद रखना, अधिकतर में क्या होता है, देखो हम यहाँ पे जो अधिकतर जो नलिकाओं की संरचना के बारे में पढ़े, तो उनकी भित्ति की बात की जाए तो इनका जो बाह्य स्तर होता है वो क्या, कैसा होता है, पेशीय स्तर होता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो आंतरिक होता है वो उपकला यानी एपिथीलियम का बना होता है, और जो पेशी स्तर होता है वो क्या होता है, मोटा होता है। पेशी स्तर कैसा होता है, मोटा होता है। इसके अलावा आगे बात करते हैं, जो आपका अधिवर्षण होता है, ठीक है, इसको तीन भागों में बांटा गया है। अधिवर्षण को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, और इसके तीन भाग कौन कौन से हैं, एक तो होता है शीर्ष अधिवर्षण, शीर्ष अधिवर्षण, ठीक है, दूसरा होता है मध्य अधिवर्षण, ठीक है, और तीसरा होता है पुच्छे अधिवर्षण। तो जो अधिवर्षण होता है, ठीक है, उसके क्या होते हैं, तीन भाग होते हैं। ठीक है, और तीन भाग में क्या होता है कि पहला शीर्ष अधिवर्षण, दूसरा मध्य अधिवर्षण और तीसरे प्रकार का क्या होता है, पुच्छे अधिवर्षण होता है। ठीक है, यहाँ पे जो शीर्ष वाला भाग होता है वो क्या होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, जो किसके ऊपर टिका रहता है, वर्षण के ऊपर टिका रहता है। और आपकी जो अपवाही वाहिकाएँ होती है या फिर आपकी जो शुक्रवाहिकाएँ होती है वो इसी के अंदर आकर के खुलती है।
दूसरा जो मध्य भाग होता है ठीक है वो क्या होता है, पतला और चपटा होता है ठीक है। इसके अलावा जो पुच्छ भाग होता है वो क्या होता है, इसका अंतिम भाग होता है ठीक है, जो वर्षण के निचले भाग को ढका रहता है। भाई ये तो क्या होगा कि वर्षण के ऊपर पाया जाता है, वर्षण के ऊपरी भाग पर, ये मध्य में होता है, और ये क्या होता है कि वर्षण के निचले भाग को ढका रहता है ठीक है, निचली सतह को ढका रहता है ठीक है। तो इस तरीके से आपकी क्या होती है कि इस वर्षण के तीन भाग, अधिवर्षण के तीन भाग पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये अधिवर्षण कंप्लीट हो गया। तो कल बात करेंगे आपके शुक्रवाहिनी और मूत्र मार्ग और सहायक जनन ग्रंथि और पेनिस के बारे में। यहाँ तक की क्लास में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ठीक है। धन्यवाद।